लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। पाश्चात्य राजनीतिक विचार के अंतर्गत बेंथम के राजनीतिक चिंतन का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और उसी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत हम लोगों का अध्ययन का टॉपिक है बेंथम के द्वारा शासन प्रणाली के विषय पर दिया गया राजनीतिक चिंतन। बेंथम के संपूर्ण राजनीतिक चिंतन का एक आधार है और वह आधार है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। यदि यह आधार है तो शासन प्रणाली के प्रतिपादन में भी बेंथम के द्वारा इसी को मूल आधार बनाया गया। अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम सुख को शासन प्रणाली के वर्णन का आधार बनाया गया और इनके द्वारा तीन महत्वपूर्ण शासन प्रणाली के गुण बतलाए गए। पहला है बुद्धिमत्ता, दूसरा है सामान्य भलाई और तीसरा है शक्ति। आपको सवाल आएगा कि शासन प्रणाली के वर्गीकरण का आधार बेंथम के द्वारा किसको बनाया गया। आपको लगाना है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का भी यही आधार था और शासन प्रणाली के वर्गीकरण का भी बेंथम के द्वारा इसी को आधार बनाया गया। परंतु यह शासन प्रणाली का वर्णन करे इसके पहले इसने इस बात पर बल दिया कि शासन को हर समय बुद्धिमत्ता, सामान्य भलाई और शक्ति, ये तीन ऐसे तत्व हैं जिनका ख्याल रखना आवश्यक होता है। इन्हीं तीनों तत्वों के माध्यम से शासन का कार्य है कि वह समाज में समन्वय की स्थापना करे, वह व्यवस्था की स्थापना करे, वह सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखे, वह लोगों को न्याय प्रदान करे। उसके द्वारा समाज में अधिकतम का कल्याण करते हुए सभी को न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की जाएं। बेंथम के द्वारा ऐसा कहा गया और इसी बात को ध्यान में रखकर कहा कि शासक को बुद्धिमान होना चाहिए जिससे वह लोक कल्याण को समझ सके। दूसरा, उसका व्यवहार हर समय सामान्य भलाई अर्थात जनता के कल्याण पर आधारित होना चाहिए। तीसरा, उसने कहा कि वह शासन इतना शक्तिशाली हो के कानून का उल्लंघन करने वाले को दंडित कर सके और समाज में अव्यवस्था को समाप्त कर सके। इसी आधार पर बेंथम के द्वारा कहा गया कि बुद्धिमत्ता का तत्व मूलतः कुलेन तंत्र के अंतर्गत पाया जाता है, सामान्य भलाई का तत्व यह लोकतंत्र का गुण है और शक्ति यह राजतंत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में दिखलाई पड़ता है। ये तीन बातें इनके द्वारा कहा गया और इस बात का समर्थन किया कि इन तीनों में लोकतंत्र सर्वोत्तम है। यद्यपि लोकतंत्र को उनके द्वारा गणतंत्र के नाम से भी संबोधित किया गया गणतंत्र के नाम से भी संबोधित किया गया
इसके अलावा भी बेंथम के द्वारा जब इस बात को आधार बनाया गया शासन प्रणाली के वर्गीकरण में अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम सुख को, तो इसी आधार पर कहा कि यदि राजतंत्रात्मक शासन होगा तो चूंकि इसमें एक का शासन होता है तो इसमें एक का हित होगा। और कुलीन तंत्र के अंतर्गत, कुलीन तंत्र के अंतर्गत कुछ का शासन होता है, कुछ का शासन पाया जाता है, इसलिए स्वाभाविक रूप में इसमें कुछ का हित होगा। जबकि लोकतंत्र या गणतंत्र के अंतर्गत, लोकतंत्र या गणतंत्र के अंतर्गत अधिकतम का शासन होता है, इसलिए इसमें अधिकतम का हित होगा। इसी आधार पर बेंथम के द्वारा लोकतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया गया। आपने इसके भी पहले एक बात समझा होगा कि गणतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत संपूर्ण जनता की भागीदारी पाई जाती है और संपूर्ण जनता की भागीदारी के कारण शासक जनता के प्रति सदैव उत्तरदायी बना रहता है और उसके हित में रत रहता है। सामान्य भलाई करना ही उसका उद्देश्य बना रहता है, ऐसा बेंथम के द्वारा कहा गया। और इसी आधार पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का बेंथम के द्वारा समर्थन किया गया। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए गणतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन किया गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर हम इटली के विचारक और आधुनिक राजनीति विज्ञान के पिता मैकियावेली का राजनीतिक दर्शन पर एक बार पीछे लौटते हैं तो आपको यह बात मालूम होगा कि मैकियावेली के द्वारा अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेस के अंतर्गत बतलाया गया था कि गणतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। यह दीगर बात है कि मैं उसका इटली के लिए समर्थन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इटली का मानव स्वभाव से दुष्ट है। तो बहरहाल इसी आधार पर बेंथम के द्वारा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को आधार बनाकर बतलाया गया कि लोकतंत्र या गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ही सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व का गुण सदैव बना रहता है। इस बात का इनके द्वारा समर्थन किया गया। अब दूसरी बात है, शासन प्रणाली का वर्गीकरण करने के पश्चात बेंथम ने ब्रिटिश शासन के ऊपर यथार्थवादी दृष्टिकोण से विचार करना प्रारंभ किया। जब ब्रिटिश शासन का इनके द्वारा विचार किया गया तो ब्रिटिश शासन में सुधार का, तब इनके द्वारा ब्रिटिश शासन में सुधार का समर्थन किया गया और इस सुधार के अंतर्गत सर्वप्रथम इनके द्वारा कहा गया कि ब्रिटेन में केवल सीमित लोगों को ही मताधिकार प्रदान किया गया है, परिणामतः शासन प्रणाली में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसलिए आवश्यक है कि इस सीमित शासन प्रणाली को समाप्त करके सार्वभौमिक
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू किया जाए। इसलिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थन करने का प्रयत्न करते हैं बेंथम, और इसके अंतर्गत इनके द्वारा कहा गया कि एक व्यक्ति एक मत, एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत को लागू करना चाहिए। एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत को लागू करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक गिना जाए। एक से अधिक नहीं, एक से अधिक नहीं। इतनी बात तो सर्वप्रथम शासन प्रणाली में सुधार करने के दृष्टि से बेंथम के द्वारा कहा गया। इनका मानना था कि केवल धनाढ्य और बौद्धिक वर्ग को ही मताधिकार प्राप्त है, इसके कारण शासन में वास्तविक गणतंत्र की स्थापना हो ही नहीं पाई है। वास्तविक गणतंत्र को व्यावहारिक रूप में क्रियान्वित करने के लिए बेंथम के द्वारा एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत या प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक गिनना चाहिए, एक से अधिक नहीं, इस विचार का प्रतिपादन कर दिया और कहा कि जितने भी वयस्क लोग हैं उनको मतदान करने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि यदि अधिकतम मतदान का अधिकार अधिकतम लोगों को होगा तभी अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम सुख को कहा कि अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम सुख को लागू करने हेतु आवश्यक है कि अधिकतम को मताधिकार प्रदान करना चाहिए। इस संदर्भ में आपने इस बात को देखा कि ब्रिटिश शासन पद्धति में सुधार करने का समर्थन किया, इसलिए बेंथम का उपयोगितावाद एक प्रकार से सुधारवादी विचार का भी समर्थन करता है, और मूलतः बेंथम का लक्ष्य ही था तत्कालीन ब्रिटेन में व्याप्त अव्यवस्था, असुरक्षा और भ्रष्टाचार की शासन प्रणाली को खत्म करके एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली की स्थापना करना जो वास्तविकता और यथार्थ पर लागू हो, मूलतः जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत पर लागू हो। इसके साथ साथ हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल 1 वर्ष करने पर इनके द्वारा कहा गया कि हाउस ऑफ कॉमन्स, आपको मालूम होना चाहिए कि हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन का निम्न सदन है, इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। यह लोकप्रिय सदन है, यह उसी प्रकार का सदन है जैसे भारत में लोकसभा। बेंथम ऐसा पहला चिंतक है जिसने इस बात पर बल दिया कि हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल 5 वर्ष न हो करके 1 वर्ष होना चाहिए। कहा कि यदि 1 वर्ष होगा तो जनप्रतिनिधि एवं जनता के मध्य
मधुर संबंध बना रहेगा और जन प्रतिनिधि उत्तरदायी शासन को स्थापित करने का प्रयत्न भी करेगा। इसलिए हाउस ऑफ कॉमन्स के कार्यकाल को इनके द्वारा एक वर्ष करने का समर्थन किया गया। सामान्यतः होता यह था कि जब जनता के द्वारा अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव 5 वर्ष के लिए कर दिया गया, तब जनप्रतिनिधि 5 वर्ष तक जनता के हित के विषय में कोई भी कार्य नहीं करता था। जनता के प्रति वह लापरवाह हो जाता था। सार्वजनिक हित की धारणा जो उसका चुनावी मैनिफेस्टो रहता था वह उसको भूल जाता था। बेंथम ने इसी बात को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्रणाली में तब्दील करने के उद्देश्य से इस बात पर बल दिया कि अगर 1 वर्ष का कार्यकाल होगा तब ये हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य जनता के प्रति सदैव उत्तरदायी रहेगा, क्योंकि उसे जनता के अदालत में जा कर के जन समर्थन हासिल करना होगा चुनाव के दौरान। यद्यपि बेंथम का यह विचार ब्रिटेन में लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि यह अत्यंत खर्चीली प्रणाली है और किसी भी देश के ऊपर इसका अत्यधिक व्यवहार आता है, अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है। इसलिए इस पद्धति को ब्रिटेन में लागू नहीं किया जा सका। तीसरा, शासन प्रणाली के सुधार के संदर्भ में बेंथम का विचार यह था कि उसने लॉर्ड सभा को समाप्त करने की सिफारिश किया। लॉर्ड सभा ब्रिटेन का उच्च सदन है और यह वंशानुगत सदन है। बेंथम ने अपने अध्ययन के दौरान इस बात का अध्ययन किया कि लॉर्ड सभा के अंतर्गत सामान्यतः रूढ़िवादी एवं परंपरा तथा रीति रिवाज को मानने वाले लोग ही सदस्य होते हैं, जो सामान्यतः प्रगतिशील कानून के निर्माण में अनेक बार रोड़ा उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा उनका कोई भी कार्य नहीं होता। यहाँ तक कि लॉर्ड सभा का सदस्य सदन के बैठकों में भी भाग लेने की जहमत नहीं उठाता है। केवल और केवल हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा पारित किए गए बिल को कुछ समय तक रोकने का ही कार्य करता है। इसलिए लॉर्ड सभा को यदि समाप्त कर दें तो उसका लाभ यह होगा कि एक तो प्रगतिशील कानून का निर्माण हो जाएगा, दूसरा कानून निर्माण में अनावश्यक रोक टोक खत्म हो जाएगी और कानून का निर्माण हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा पारित होते ही किंग के या राजा के हस्ताक्षर के पश्चात अधिनियम का स्वरूप धारण कर लेगा। इसलिए बेंथम के द्वारा लॉर्ड सभा को खत्म करने की सिफारिश की गई। ये तो बात थी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सुधार के विषय में। इसके साथ साथ बेंथम के द्वारा अन्य विषयों में भी अपने विचार दर्शन का प्रतिपादन किया गया और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रतिपादन किया बेंथम ने वह है बेंथम के का आर्थिक विचार। बेंथम का है आर्थिक विचार। आर्थिक विचार बेंथम का मूलतः यह व्यक्तिवादी है और व्यक्तिवाद के अंतर्गत इसका आर्थिक विचार एडम स्मिथ के दर्शन पर आधारित है। एडम स्मिथ के दर्शन पर यह आधारित है, यद्यपि एडम स्मिथ के द्वारा ब्रिटेन में पूंजीवाद का समर्थन किया गया था, बाजार
वादी अर्थव्यवस्था को लागू करने के लिए आ हस्तक्षेप का प्रतिपादन किया था। बेंथम ने भी उसको स्वीकार किया, परंतु एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा सूदखोरी प्रथा पर आरोप लगाने हेतु कानून का निर्माण किया जाए। यह कथन किसका था? यह कथन ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का था। बेंथम ने इसका खंडन किया। कहा कि राज्य के द्वारा किसी भी ऐसे कानून का निर्माण न किया जाए जो कि सूदखोरी प्रणाली पर प्रतिबंध लगाता हो, अर्थात वह चलने देना चाहिए। कहा कि यदि राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की गतिविधियों में कम होगा तब स्वाभाविक रूप में राज्य, समाज और व्यक्ति का विकास होगा। यद्यपि यह और बात है कि बेंथम के द्वारा अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात की गई, तो यह समझना बड़ा कठिन काम है कि वह एक प्रकार से एडम स्मिथ और व्यक्तिवादी विचारधारा का भी समर्थन करता है, और एडम स्मिथ और व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थन करने के साथ साथ वह सूदखोरी प्रथा के संदर्भ में राज्य के द्वारा कोई कदम न उठाया जाए इसकी भी बात करता है, और दूसरी तरफ यह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम कल्याण का भी समर्थन करता है। राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप हो अगर व्यक्ति की गतिविधि और बाजारवादी अर्थव्यवस्था में, तो अधिकतम का कल्याण कैसे होगा, यह कहना बहुत मुश्किल भरा काम था। दूसरा, बेंथम के द्वारा एक अन्य विचार का भी प्रतिपादन किया गया था, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद। बेंथम के द्वारा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अपने प्रारंभिक विचार के अंतर्गत विरोध किया गया और कहा गया कि ब्रिटेन के द्वारा साम्राज्यवाद को खत्म किया जाए, उपनिवेशवाद की स्थापना बाजारवादी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उचित नहीं है। यद्यपि बाद में बेंथम के द्वारा कहा गया कि किसी भी साम्राज्य के अंतर्गत मुक्त और स्वायत्त उपनिवेश की स्थापना की जा सकती है। कहा कि साम्राज्य के अंतर्गत मुक्त एवं स्वायत्त उपनिवेश की स्थापना की जा सकती है। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का भले ही प्रारंभिक स्तर पर इनके द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि बेंथम ने इसका समर्थन कर दिया। अब इसके बाद है बेंथम के द्वारा कुछ अन्य विषयों पर भी अपने विचारों का प्रतिपादन किया गया, जिसको ब्रिटेन में सुधार के नाम से जाना जाता है। बेंथम का इसको सुधारवादी विचार कहते हैं। इस सुधारवादी विचार के अंतर्गत है कानून, न्याय, दंड, शिक्षा, कानून के संदर्भ में बेंथम के द्वारा पाया गया कि ब्रिटेन में अनेक प्रकार के रूढ़िवादी और अर्थहीन अनावश्यक कानून का प्रचलन है। कानून अत्यंत जटिल और दुरूह है। ब्रिटेन में
अर्थहीन अनावश्यक अनावश्यक कठोर और दुरूह कानून का प्रचलन था। बेंथम के द्वारा इसे समाप्त करने के लिए शासन को कदम उठाना चाहिए इसका समर्थन किया गया। सामान्यतः बेंथम ने इसीलिए कहा कि कानून को सरल होना चाहिए, कानून को स्पष्ट होना चाहिए, कानून को संक्षिप्त होना चाहिए, कानून ऐसा हो जो सामान्य भलाई पर आधारित हो, जो सामान्य भलाई पर आधारित हो, ऐसे कानून का समर्थन किया गया और कहा गया कि कानून का निर्माता विधायिका है। इसका स्रोत ये है। दूसरा, बेंथम ने इस बात को भी कहा कि सरकार और शासन के द्वारा ऐसे कानून का निर्माण न किया जाए जो लोकमत को स्वीकार न हो। ऐसे किसी भी कानून का निर्माण विधायिका शासन के द्वारा न किया जाए जो लोकमत को स्वीकार न हो, अर्थात यदि कोई ऐसा कानून बना है जिसका लोकमत के द्वारा विरोध किया जा रहा है तो सरकार को उस कानून को वापस ले लेना चाहिए। दूसरा, इनके द्वारा इस बात पर भी बल दिया गया यदि कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो राज्य के द्वारा उसे दंड देना चाहिए। अब देखिए, कानून के साथ साथ बेंथम के द्वारा न्यायिक प्रणाली में भी सुधार का समर्थन किया गया। तत्कालीन ब्रिटेन की न्याय प्रणाली में दोष विद्यमान था। पहला दोष था कि यह प्रक्रिया पर आधारित होने के कारण यह अत्यंत विलंब से प्राप्त होता था। दूसरा, न्यायिक प्रणाली अत्यंत महंगी थी। इसके कारण न्याय केवल धनवान वर्ग तक ही सीमित हो गया था। बेंथम के द्वारा इसका विरोध किया गया और कहा गया कि जज एवं वकील को भी अपने न्यायिक उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए। बेंथम के द्वारा अपने अध्ययन के दौरान पर्यवेक्षण के दौरान यह पाया गया था कि जज का निर्णय मनमाना है, वह तथ्य के आधार पर नहीं है, वह प्रक्रिया के आधार पर है, इसलिए अनेक बार अन्याय के स्थान पर अन्याय हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वकील अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है, वह लोभी लालची हो गया है, अनैतिक हो गया है, उसका एकमात्र मकसद अधिक से अधिक धन कमाना हो गया,
लोगों को न्याय देना उसका उद्देश्य नहीं रह गया, वह भ्रष्ट और भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। इसलिए इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। ना एक सामान्य कहावत है न्याय के विषय में कि वादी मर गया वाद अमर हो गया। आज ब्रिटेन में यह बात लागू था, भारत में भी यह बात लागू है। ना बेंथम के द्वारा इसका समर्थन न करके इसका खंडन किया गया और कहा कि न्यायिक प्रणाली में सुधार हो और न्यायिक प्रक्रिया को सरल और शीघ्र संपादित किया जाए। यह सरल हो और इसका शीघ्रतापूर्ण निपटारा किया जाना चाहिए। बेंथम के द्वारा इसका समर्थन किया गया, कहा कि न्याय ऐसा हो जो कि सामान्य व्यक्ति की भी पहुंच के अंतर्गत हो। न्यायिक प्रणाली वकील की फीस और न्यायालय का शुल्क इतना निम्न हो या जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको न्याय प्रदान करने के लिए राज्य के द्वारा अपने खर्चे पर न्यायिक व्यवस्था को अंजाम देना चाहिए। इसलिए न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत उनके द्वारा इस बात का समर्थन किया गया। दूसरा है दंड की प्रणाली। तत्कालीन इंग्लैंड में दंड की प्रणाली के अंतर्गत भी अनेक प्रकार का दोष विद्यमान था। छोटे अपराध और बड़े अपराध सब के लिए प्राणदंड की व्यवस्था थी। ऐसा माना जाता था कि सामान्यतः 200 अपराध ब्रिटेन में ऐसे थे जिनके लिए प्राणदंड दिया जाता था। बेंथम के द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया। ना इसने पाया था कि 1801 ईस्वी में एक 12 वर्षीय बालक के द्वारा चम्मच चुराया गया और उसको न्यायालय के द्वारा प्राणदंड मुकर्रर किया गया। बेंथम ना अचंभा में आ गया। बेंथम को ऐसा प्रतीत हुआ कि यह असंगत है, यह तार्किक नहीं है। ना अपराध के अनुपात में दंड दिया जाना चाहिए, कहा कि अपराध के अनुपात में दंड दिया जाए। अपराध के अनुपात में दंड देना चाहिए। यदि छोटा अपराध है तो दंड भी कम हो, दंड कम हो, और यदि अपराध बड़ा है तो दंड की मात्रा भी अधिक हो, क्योंकि दंड देने का उद्देश्य है अपराध की प्रवृत्ति पर रोक लगा करके अपराधी में सुधार करना, न कि उसको केवल इसलिए दंडित कर देना कि अपराध करने की प्रवृत्ति उसमें बनी रहे। यह तर्कहीन नहीं है, यह तर्कसंगत नहीं है। इसलिए बेंथम के द्वारा दंडिक प्रणाली में भी सुधार का समर्थन किया गया और बेंथम के द्वारा कहा गया कि मृत्युदंड को समाप्त कर देना चाहिए। और बाद में आप बेंथम के विचार से प्रभावित होकर ब्रिटेन में राजद्रोह एवं अन्य बड़े अपराध के लिए ही प्राण दंड को स्वीकार किया गया, बाकी अन्य अपराध के लिए प्राण दंड को खत्म कर दिया गया। मृत्युदंड के समाप्त करने का समर्थन बेंथम के साथ साथ टी.एच. ग्रीन के द्वारा भी किया गया है। टी.एच. ग्रीन ने भी इसी बात का समर्थन किया है कि दंड अपराध के अनुपात में हो, न अधिक हो और न ही कम हो। इसलिए समानुपातिक दंड का सिद्धांत किसने दिया था, हमको सवाल आएगा तो क्या लगाएंगे।
अवंथम के द्वारा समानुपातिक दंड के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसके साथ साथ बेंथम के द्वारा एक अन्य विषय में भी सुधार का समर्थन किया गया और यह सुधार है जेल सुधार। सामान्यतः ब्रिटेन में तत्कालीन ब्रिटेन में जेल में कैदियों के साथ अमानुषिक बर्ताव किया जाता था, गंदे स्थानों पर रखा जाता था, ठीक से कपड़े नहीं दिए जाते थे, खाने पीने की उत्तम व्यवस्थाएं नहीं थी, यहाँ तक कि बड़े अपराधी और छोटे अपराधी को एक ही कोठरी में रख दिया जाता था, जिसका परिणाम ना अपराध की प्रवृत्ति को रोकना तो कम हो पाया बल्कि अपराध की प्रवृत्ति और अधिक बढ़ जाती थी। बड़े अपराधियों को के साथ में बच्चों को भी रख दिया जाता था और जेल का आकार चक्री प्रकार का होता था, जिसमें ऊपर बैठ करके व्यक्ति कैदियों की निगरानी करता था अधिकारी। बेंथम के द्वारा कहा गया कि संपूर्ण जेल प्रणाली में सुधार किया जाए और कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार और बर्ताव करने का आह्वान किया बेंथम ने। इसके साथ साथ बेंथम के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार का समर्थन किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की बात यह थी कि इनके द्वारा सर्वप्रथम मॉनिटर प्रणाली का समर्थन किया गया और दूसरा गरीब के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जो रोजगार उन्मुखी होगी देना राज्य का कार्य होगा। उच्च शिक्षा को धनवान वर्ग के बच्चे ग्रहण करें। इसी आधार पर बेंथम के इस शिक्षा प्रणाली की आलोचना की जाती है। लेकिन फिर भी जहां इंग्लैंड में असमानता का बोलबाला था, केवल धनवान वर्ग का ही बालक पढ़ने में समर्थ था, गरीब और निर्धन वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए थे, बेंथम ने इस बात का समर्थन किया और कहा कि उनकी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर ही रोजगार उन्मुखी हो, अर्थात थोड़ी सी शिक्षा लें लेकिन उनको अपना जीवन व्यापार को करने में सुविधा प्राप्त हो जाए, वे अपने कुछ कार्य को कर सकें और रोजगार के अवसर उनको सुलभ हो जाएं। राज्य का यह दायित्व होगा कि वह अपने खर्चे पर निर्धन वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। लेकिन उच्च शिक्षा को प्राप्त करने का के लिए इन्होंने धनवान वर्ग को खुली छूट दे दिया। इसलिए आलोचकों के द्वारा कहा जाता है कि निर्धन वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया। यह बात सही हो सकती है, गलत हो सकती है, इस पर अनेकानेक विचार हो सकते हैं, परंतु यहाँ हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि रोजगारमुखी और प्राथमिक शिक्षा निर्धन वर्ग के बालकों को भी देने का बेंथम के द्वारा समर्थन किया गया था। तो इस प्रकार से बेंथम का संपूर्ण राजनीतिक चिंतन वास्तव में सुधारवादी चिंतन है और ब्रिटेन के व्यवस्था में सुधार करने का समर्थन किया, चाहे वह उदारवादी व्यक्तिवादी विचारधारा हो, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण हो, शासन प्रणाली का वर्गीकरण हो या ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सुधार की बात हो या अन्य विषयों में सुधार की बात हो, कानून न्याय दंड जेल और शिक्षा के क्षेत्र में बेंथम का विचार राजनीति विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण देन के रूप में याद किया जाता है। चलिए, बेंथम के संदर्भ में हम लोगों का आज का क्लास यहीं तक है।
अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।